नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वलती सेंट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जो है, कोई भी होम थिएटर का स्पीकर जो होता है दोस्तों, छोटा है जो मिनी स्पीकर होता है, कोई भी होम थिएटर का दोस्तों, ठीक है। तो आज मेरे पास चार होम थिएटर का जो है ना, चार पीस स्पीकर जो है आया है रिपेयर के लिए, और हमें पता नहीं है दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको जो है दोस्तों, ये ठीक करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और खुद से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है और ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। इसमें रखा रखा दोस्तों जो है, एक एक ख़राब हो गया, अब पता नहीं क्या क्या रीज़न आया चारों में। तो चारों को बाढ़ की एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है दोस्तों, देखेंगे क्या दिक्कत है। सबसे पहले दोस्तों इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको जो है पहले ओपन करते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये खुल गया है, और दोस्तों इसमें अब स्पीकर खोलना है। दोस्तों फाइनली स्पीकर खुल गया है, अब इसको ओपन करते हैं। थोड़ा दोस्तों मेरा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा शायद, क्योंकि हल्का सा फीवर हो गया है ना हल्का, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आवाज़ दबा दबा लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी इस टाइप का स्पीकर हो, कोई भी स्पीकर या होम थिएटर हो क्या, कोई भी स्पीकर हो, तो सबसे पहले अगर वो जो ख़राब है, नहीं बज रहा है ना, तो फर्स्ट आप अगर नहीं बज रहा है तो दूसरा स्पीकर लगा के जो है आप पहले होम थिएटर को चेक कर लीजिए कि होम थिएटर ख़राब है या आपका स्पीकर ख़राब है, ठीक है। अगर नहीं तो दोस्तों तो आपके पास मल्टीमीटर होगा या नहीं तो लाइट टेस्टर होगा ही दोस्तों, है ना। तो आप दोस्तों ये क्या करना है, तो एट फर्स्ट दोस्तों स्पीकर को चेक करना है, स्पीकर ख़राब है कि सही है। ये दोस्तों इसका स्पीकर जो दोस्तों सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर का आई थिंक बैटरी जो है ख़राब हो गया है, तो हम लाइट टेस्टर से चेक करते हैं दोस्तों इससे। तो दोस्तों देखिए, ये लाइट टेस्टर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो बता रहा है कंटिन्यूटी, अगर मल्टीमीटर थोड़ा ख़राब है ये बता रहा है दोस्तों, तो अगर ये बता रहा है दोस्तों, ठीक है, अगर नहीं बताता तो उस पर भी हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। और इतना जो भी चार को स्पीकर है दोस्तों, तो इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और खुद से रिपेयर कर सकते हैं, इतना जानना। तो दोस्तों अगर ये तो बता रहा है दोस्तों, तो ये कोड जो आपका दोस्तों, ये कोड जो है ख़राब होगा, है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बता नहीं रहा था। तो कोड अगर ख़राब है दोस्तों, तो इसका जगह क्या लगाएं हम, वो भी तो जानकारी होना चाहिए ना। तो देखिए देखिए दोस्तों, आप इस टाइप का, देखिए आपके उस टाइप का भी तार आता है मार्केट में, मगर ये जो बिजली का तार है ना दोस्तों, ये भी लगा सकते हैं आप, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है, देखिए दोस्तों तार भी क्वालिटी का है, और दोस्तों इसके बारे में हम काफ़ी अच्छा से बताते हैं आपको, ताकि अभी आपको भी दिक्कत ना हो, खुद से रिपेयर घर में ही कर सकें, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैंने तो सोल्ड कर दिया इसको, अब क्या करना है दोस्तों, इसको इसमें लगा देना है, ठीक है। अब इसमें कौन सा कोड डालेंगे दोस्तों, तो मार्केट में आपको ये कोड उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों, ये कोड उपलब्ध है, मैंने चार पीस लाया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर पर डालना है ये जान लो। देखो दोस्तों, अभी इसको जो मैंने मोड़ दिया है, देख रहे हो आप, तार को मोड़ दिया है मैंने, और क्या करना है दोस्तों, ये देख लो, अब इसको खोलना है हल्का, तो जी ठीक है ये। अब क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर जो ये डाल देना है। देखिए दोस्तों, तार जो है दोस्तों बाहर नहीं निकले। देखिए दोस्तों, ये जो तार है ना दोस्तों, सॉरी थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये तार है दोस्तों, काला वाला का तार जो छिले थे दोस्तों, ये तार जो है एकदम अंदर तक हल्का घुस जाना चाहिए, पूरा अंदर भी नहीं होना चाहिए, अंदर तक घुस जाना चाहिए, ताकि तार शॉर्ट वगैरह ना करे, ये आप बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसको दोस्तों इस नट को टाइट कर देना है आपको, हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक ये तार रहा दोस्तों, ये तार को आप इस जगह सोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो भी दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं, है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है,
अगर है सोल्डिंग आयरन दोस्तों तो आप यहाँ पे जो है छील दे दोस्तों, छील देंगे तो ताकि अच्छा से आपका सोल्डिंग भी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नए चैनल में नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप जो है ना इसमें रख के दोस्तों इसको आप दाब सकते थे, मगर हम सोल्ड कर देते हैं। सबसे पहले ये तार को जो है सोल्ड, आप पहले जो है इसमें सोल्डर वगैरह लगा के रखेंगे ताकि सोल्डिंग करने में आपको परेशानी नहीं होगा, एक बार में लगाएंगे सोल्ड हो जाएगा। फाइनली दोस्तों ये हो गया है और इसका जो है दोस्तों ये आपका सोल्डिंग हो गया। देखिए दोस्तों ये जो है सोल्ड हो गया। देखिए दोस्तों ये हो गया है। अब कुछ नहीं, आप ईवीएम में आप यहाँ पे लगा दीजिए ये। दोस्तों ये हो गया, अब इसको इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं है या नहीं। ठीक, देखिए दोस्तों ये बता रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों चलिए ये ठीक हो गया, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका भी स्थिति बहुत नाजुक है काफ़ी। तो दोस्तों इसको भी पहले से खोलते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है, और दोस्तों इसके बारे में भी कुछ बताऊंगा मैं, अगर स्पीकर में भी प्रॉब्लम आता है तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों ये अब फाइनली ये भी खुल गया है। तो दोस्तों अब तो इसको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये भी बता रहा है, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर नहीं बता रहा दोस्तों तो इसमें जो है प्रॉब्लम कहाँ से आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके अंदर कॉयल होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है कॉयल होता है और कॉयल का दोस्तों लूप जो है एक यहाँ निकला रहता है, वही लूप दोस्तों यहाँ पे आके सोल्ड होता है। ये देख लो आप, है ना, दिख रहा हो आपको। तो दोस्तों यही दो लूप है दोस्तों। तो प्रॉब्लम कहाँ से आता है दोस्तों, तो अधिकतर ठीक है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो जॉइंट होता है दोस्तों ये यहाँ से एक पतला तार आता है, फिर यहाँ से दोस्तों ये मोटा तार जो जॉइंट होता है, तो यहाँ इस जगह ही प्रॉब्लम आता है, लगभग यहाँ पे छोड़ देता है या नहीं तो यहाँ से कट जाता है, ठीक है दोस्तों। और या नहीं तो दोस्तों यहाँ ये जो सोल्ड यहाँ होता है दोस्तों ये वाला तार है दोस्तों, यहाँ से भी कभी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से ख़राब हो जाता है, मतलब छोड़ देता है, जंग वगैरह लग जाता है या कुछ भी छोड़ देता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप इसको तार को जो है हिला के देख ले, ऐसे खींच के देख ले दोस्तों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लेड से दोस्तों ये अगर कोई भी रहेगा दोस्तों तो ब्लेड साफ करें यहाँ पर, ठीक है दोस्तों यहाँ पे ब्लेड साफ करें। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करें दोस्तों, वो आएगा। अगर नहीं आता है तो स्पीकर ख़राब होता है दोस्तों, मगर आ ही जाता है, बहुत रियर केस में ख़राब होता है दोस्तों, यहाँ से आ जाता है दोस्तों। तो इस तार को दोस्तों बस अच्छा है सोल्ड कर दीजिए, ये जो तार आया हुआ है दोस्तों, बस आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन करना है दोस्तों जो पहले किए हैं दोस्तों, इसका जो है तार खराब है दोस्तों, तो वही तो कोई तार लेंगे, कोड वगैरह लगाएंगे, और इसमें विशेष है कुछ नहीं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का मतलब और भी ऐसा प्रॉब्लम अगर कुछ भी आता दोस्तों तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जरूर अच्छा से बताऊँ आपको दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो समझ रहे हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।